स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए है जो बीपीएल जो अपना से क्षमता नहीं रखता अपना घर बनाने के लिए उन लोगों के लिए है, खासकर जो गरीबों के लिए ये प्रधानमंत्री आवास ये अर्बन है और प्रधानमंत्री आवास रूरल भी चलता है, लेकिन ये हम अभी अर्बन का कंसर्न है तो अर्बन के लिए बताएगा। जो अर्बन में जो ऐसा फैमिली है जिसका फाइनेंशियली वो अपना घर बना नहीं पा रहा, जो कच्चा घर में है,
उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाया है, तो जो भी है वो अपना ये स्कीम को अवेल कर सकता है। उन स्कीम को अवेल करने के लिए उनको सिर्फ हम कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायरमेंट, जो आधार कार्ड हो गया जो बेसिक है, बीपीएल कार्ड है, और आपका लैंड का जो एनओसी, जो कि मेरे पास ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन नहीं रहेगा तो घर बना नहीं पाएगा, तो उनको ये साबित करना पड़ेगा कि मेरे पास ज़मीन है और घर बना नहीं पड़ रहा है, उन लोगों के लिए है ये स्कीम। और सरकार इसमें 1 लाख आपका 50 देते हैं, और ये इसका ये जो इंस्टॉलमेंट वाइज रिलीज करता है फाउंडेशन लेवल में एक बार, आपका फिर प्लिंथ लेवल में एक बार, फिर कंप्लीशन में, तो 3 इंस्टॉलमेंट में रिलीज किया जाता है ये इस काम में। तो इस समय तो हम लोग IMC वाला स्पेशली हम लोग ये चेकअप कर चुका है, 5 इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम फाउंडेशन लेवल का पेमेंट हम लोग दे चुका है। इंस्टॉलमेंट वाइज रिलीज करता है फाउंडेशन लेवल में एक बार, आपका फिर प्लिंथ लेवल में एक बार, फिर कंप्लीशन में, तो 3 इंस्टॉलमेंट में रिलीज किया जाता है ये इस काम में। अभी फिलहाल सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग रुक रहा है, अब जब वो आ जाएगा तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड हम लोग पेमेंट करेगा। और यहाँ पे IMC वाला में बहुत हम लोग तो अभी ऑन वो में है, पब्लिक लोग का बहुत रिस्पांस है कि वो लोग बार बार सवाल पूछ रहा है कि कब पेमेंट आएगा, कब पेमेंट देगा, तो उनके लिए हम लोग बता रहे हैं कि हमने इंस्टॉलमेंट UC तो दे दिया है, तो गवर्नमेंट जब इंस्टॉलमेंट रिलीज कर देगा तो नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस को शुरू कर देगा। तो अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन लोग जो मिनिस्ट्री है वो और इनकरेज मोटिवेट करने के लिए उन लोग कई प्रकार के क्राइटेरिया रखते हैं, तो उसी तरह ये जो आज का जो प्रोग्राम स्पेशली जो है ये PMAY अवार्ड के लिए है, तो ये एक क्राइटेरिया है स्ट्रीट प्ले, तो यही मैं करने आई थी। और इसके द्वारा ये जो है नॉट ओनली फॉर अवार्ड बट ऑल्सो लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ ऑल्सो अवेयरिंग पीपल हु इज स्टिल अनअवेयर ऑफ दिस स्कीम। तो मेरा ख्याल से ये गवर्नमेंट जो जो मिनिस्ट्री जो ये एक स्कीम लेके आया है वो बहुत ही अच्छा है, और हमारे अरुणाचली जो ट्राइबल पीपल है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हमारा ट्राइबल भाई बहन है जो घर नहीं बना पा रहा है, स्पेशली पक्का घर, क्योंकि आप जानते हैं हमारा यहाँ का वेदर, जैसे कि बारिश आते हैं, तूफान आते हैं, इवन मतलब चिल्ड्रंस आर इन पेन इफ़ आई सी प्रैक्टिकली इफ़ आई गो टू ग्राउंड। तो इवन मतलब हम भी, बचपन तो मेरा भी कच्चा घर से ही शुरू हुआ है, तो इसलिए कच्चा घर में बैठ के जो तकलीफ़ है वो हम भी जानते हैं। इसलिए शायद जो गवर्नमेंट ने जो टेकअप किया है ये स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर स्पेशली फॉर अर्बन पुअर्स, तो ये शायद बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। अभी ये हमारा ये अवार्ड के लिए जो एक क्राइटेरिया है ये अभी फुलफ़िल हो गया है, तो ये अवार्ड को अभी हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो म्यूनिसिपल जो वर्कर्स है उसको भी एक इनकरेजमेंट मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग अवेयरनेस ज़रूर रखेंगे, हमारा जो फर्स्ट फेज इज़ ऑलरेडी लाइक एट द एंड, वो जैसे सर ने बोला है कि पेमेंट भी हो गया है और होने वाला है जो अभी फिर आएंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो ये पेमेंट होने के बाद कंप्लीट होने के बाद हम लोग सेकेंड फेज फिर से शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम लोग ज़रूर फिर से हम लोग पब्लिक को अवेयर करने के लिए हम लोग जैसे कि नाहरलगन हो गया, इवन ईटानगर हो गया है, ईटानगर में भी कई जगह है जहाँ हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग यस वी आर प्लानिंग फॉर दैट, वी विल श्योरली वी विल बी डूइंग दैट।